मोहतरम सामईन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कल 25 तारीख था और एक हरामी का बच्चा, एक रंडी का बच्चा जो नूर हसन भाई से धमकी दे रहा था और आने के लिए तैयार था, आया तो है, रामपुर में आया है, मगर उस हरामी ने वादा किया था मैं तुमसे सामने आकर, तुम्हारे घर पे सामने आकर मिलूँगा, तो इस तरह का वादा किया था, मगर वो हरामी का बच्चा आया नहीं, रामपुर में कहीं पे रुका है, वो ऐसा बता रहा था, मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन वो ऐसा वो बता रहा था कि मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसा वैसा तरह तरह की बातें बता रहा था। पहले उस हरामी की ऑडियो सुन लीजिए जो ये चैलेंज किया था। हेलो, हाँ भाई, अरे मैं बोल रहा हूँ कि वही आना पड़ेगा, एक काम कर लो, क्योंकि मुजफ्फरनगर से तो 250 किलोमीटर दिखा रहा है रामपुर, जितना भी है आ जाओ, आपने 25 तारीख का वादा किया ना। नहीं नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है, बिल्कुल क्यों वादा किया। हाँ तो फिर आइए, मैं बोल रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको याद दिलाने के लिए कॉल किया है। अरे पूरी बात तो सुन ले मौलाना। नहीं तुमने कहा था ना, हाँ मैं आ रहा हूँ, कॉन्टेक्ट कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो फिर मैंने क्या बोला तुमको, तुमने एड्रेस मांगा था ना मुझसे। हाँ हाँ हाँ, फिर मैंने इसी वजह से कहा था कि अगर हलाली हो तो आओ, फिर 25 तारीख में मैं इंतजार करूंगा। मिलना ही है ना, पक्का मिलना ना, तो एक काम कर लेते हैं ना। तुमने जिस इरादे से भी कहा हो, अरे वो एक काम कर लेते हैं ना भाई, आपको एक एक काम, मुझसे मोहब्बत तो है नहीं जो मुझसे मिलने आ रहे हो। एक काम कर लेते हैं, एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ, मुझसे तुम्हें मोहब्बत तो है नहीं, तुम मेरे रिश्तेदार तो हो नहीं, बिल्कुल आओगे तो किसी गलत इरादे से ही आओगे ना। हाँ, या दोस्ती के इरादे से आओगे। नहीं मेरे तो देखो, और मैं तुझसे दोस्ती कर ही नहीं सकता। हाँ, दोस्ती हो ही नहीं सकती। हाँ, और मैं भी किसी जहन्नमी बदअकीदे और हरामखोर से मतलब दोस्ती नहीं कर सकता मैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर तू हलाली है तो 25 तारीख को जरूर आएगा। हाँ, तो इसलिए मैं आज फिर से याद दिला रहा हूँ, कभी तुझे जो है ये कहने का ये कहने की गुंजाइश ना रहे कि मैं भूल गया, मेरे जहन से बात उतर गई। सुन सुन मेरी बात, 250 किलोमीटर है, तेरा बाप अब 100% पहुंचेगा, आज ही पहुंचेगा तेरा बाप, तू देख ले, तेरा बाप अब तेरे बाप तेरी बहन चोद ने वही पहुंचेगा, तू देखता रहे, तू आ। हाँ तू आ, ये इतना बड़ा हरामी है, इतना बड़ा हरामी है, पता नहीं इसकी माँ ने कैसे जाना है, इसका बाप कौन है, ये हर बात में जुबान में ये गलत बात निकालता है, फैस बात निकालता है, हर बात में गाली निकालता है, तो पता नहीं ये कैसे पैदा हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता हो, मगर इस तरह का हरामी तो हमेशा आता ही रहा है, मगर सामना नहीं कर सका है। हक हक तो वो होता है जो सामने आके मुलाकात करे, सामने से बात करे, बात करें जो बात है, लेकिन ये थानवी की मोहब्बत में आया था और हम लोग जो है नबी की मोहब्बत में ये काम करते हैं और ये लोग जो है थानवी की मोहब्बत में काम करता है, तो ये हरामी तो सामने नहीं आया लेकिन रामपुर में आया, और रामपुर में आने के बाद देखिए किस तरह ये बातें कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ मैं यूनिवर्सिटी पे हूँ, जल्दी आ। यूनिवर्सिटी पे क्यों है अभी तू? अबे पागल की औलाद, तो मैं जहाँ रहूंगा सुअर के जने, हराम के पिल्ले, भोसड़ी के बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, मैं यूनिवर्सिटी पे हूँ, आ जा। ये कौन सी जगह भाई है, ये कौन सी जगह है? सिविल लाइन, सिविल लाइन। हाँ सिविल लाइन थाने पे हो ना, वहीं से टेम्पो मिलेंगे, आओ। अरे क्यों भोसड़ी के, तेरी जगह वाले तेरे घर तक पहुँचवा गया, यहाँ आके दिखाना। अबे नजदीकी ना जायज औलाद, तू घर के पिल्ले आराम की जने, तेरी माँ का बोसड़ी है। अच्छा सुन, की औलाद बोसड़ी के, तेरी माँ जिना करे स्वर की सब स्वर कुदवा के तेरी उन्हें पैदा कराओ, तेरी माँ ने बोसड़ी के अपने घर तक पहुँच गया बेसड़ी के, सुन मेरी बात। अबे नजदीकी ना जायज औलाद, अगर तूने कॉल किया होता थोड़ी देर पहले, मैं वही था, अगर तूने कॉल किया होता समझा बे, अभी बहुत बात। अरे नजदीकी ना जायज औलाद, जोर अंटी रंटे बोल रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी पे हूँ, बाडू अब तो मेरी बात सुन, कान खोल के। अबे ओ हरामी, मैं कह रहा हूँ ना के बाडू, तेरी माँ चोदवा बहन के लौड़े, तेरी माँ चोदने आया, तेरी माँ का भोसला मऊ रंडी के बहन के लौड़े, सुन मेरी बात, अब मैं यही रामपुर में हूँ, आज तो अभी तो मैं फिलहाल मैं रेस्ट करूंगा, 6-7 घंटे 8 घंटे चल गया, अभी रेस्ट करूंगा, मिलता हूँ तुझसे, अब दिन में तेरे घर तक ही मिल के मिलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आदमी को बिल्कुल, और बोल बोल किस मदरसे में जाएगा और किस मदरसे को पकड़ेगा, बोल कौन तुम कागज जानने वाला। अरे एक मिनट कौन सा बताया तुमने, अपना एड्रेस क्या बताया? मैं हूँ यूनिवर्सिटी रामपुर, यहाँ से यूनिवर्सिटी रामपुर किस नंबर दिए, यहाँ से
और 10 किलोमीटर तेरा इंतजार में ही हूँ मैं सुबह से। बहुत सारी तू मेरा इंतजार करता तो कहीं ना कहीं तेरे इंतजार में ही हूँ मैं। चूहे पैसे चूहे के किले तो घर में घुस के तो थोड़ी देर नहीं कॉल किया था तो मैं वही था। बहुत सही के वही था एचडीएफसी बैंक सिविल लाइन सिविल लाइन पे तेरी माँ समझा रहा है। बहुत सही के तू अपने वहाँ से आ गया गाली गलौज निकल तेरी अम्मा ने तुझे हलाली का खिलाया वहाँ वहाँ है तो यहाँ भी आ वहाँ भी आऊंगा तुम्हें फिक्र दे। अब मैं यही हूँ मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ ठीक है। अब तू मेरा इंतजार कर बिल्कुल यही हूँ 10 दिन यही रहने वाला है श्रीरामपुर में। ठीक 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 है अब तुझसे मैं बिल्कुल और सुन हाँ एक मिनट लाइन पर अब मैं तेरे अब मैं तुझे तेरे गांव में तेरे घर में आके मिलता हूँ मैं तुझसे ठीक है। बिल्कुल अरे तुझे मैंने जब कहा है तो तू आ ठीक है। 200 किलोमीटर से चल के आया तो 8 किलोमीटर नहीं चलता रहता है तक के 8 किलोमीटर जी तेरी माँ चुचुदाई होगी तब बताने के लिए मारू बहन के लौड़े 8 किलोमीटर तू भोसड़ी के पाड़ू तू बहन के लौड़े आना फिर आना इधर को तेरी माँ छो तू यहाँ तेरी माँ छो इंतजार में हूँ सुबह से थाने पे खड़ा मैं थाने पे खड़ा भोसड़ी के इंतजार में हूँ मैं तेरे भाई बहन के लौड़े यहाँ मुझे गोली मारेगा तेरी माँ का भोसला तू मुझे मारना है गोली मारना है माँ का भोसला मारू बहन के लौड़े साले गाली गलौज मार रहे हैं तू देख अब जा अब मैं 10 दिन यही हूँ तू अब देखते रह जा 10 दिन रहे 50 दिन रहे तूने कहा ना ले लूंगा आके बहन के लौड़े में सुबह से चल के हराम की औलाद साले गाली गलौज कर रहा है नजदीक आ जाए औलाद बहन के लौड़े निजात है सुअर खो सुअर के जने बहन के लौड़े वो तू है वो वाकई तू है मरू वो तू है वाकई पिल्ले सुअर के चुदवे बहन के लौड़े हराम जादे वो है तू ही तब ठूंस बहुत तेरी माँ है वो वाकई बहन के लौड़े कह रहा है वाकई तू वो है सुअर के चुदवे बहन के लौड़े में है तू माँ का भोसला रंडी के रंडे हराम की औलाद 5 किलोमीटर मैं आगे तू नहीं सकता 8 किलोमीटर चल गए अब देखिए ये हराम का पिल्ला क्या बताऊं ये तो इतना ज्यादा गाली गलौज करता है कि कसम खुदा कि ये अगर सामने मिल जाता तो इसकी गर्दन कलम कर देता। ये हराम खोर आया तो है मगर ये अपनी जुबान से फिर गया। ये हमें बोला मैं तुम्हें सामने आके मिलूंगा मगर पूरा दिन नूर हसन रजवी साहब ने वहाँ पे इंतज़ार करता रहा ये वहाँ पे आया नहीं। हालांकि नूर हसन भाई के पास कई सुन्नी भाई का कॉल आया है आप देख सकते हैं ये कितना नंबर हमारे पे कितना ये वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे नंबर पे भेजा गया है इतने सारे भाइयों का कॉल आया था इसके ताल्लुक से मगर ये हरामी आया नहीं वहाँ तक रुक गया और ये बोल रहा था कि 8-10 दिन मैं यहीं पर रुकूँगा। आपने सुना होगा 8-10 दिन यहीं पे रुकूंगा ये बात बोलकर फिर बाद आगे चला गया और ये गाली देता ही रह गया। ये गाली पे गाली दे रहा था बात कम गाली ज़्यादा दे रहा था। तो इसी बीच में एक सुन्नी भाई का भी कॉल आया और उन्होंने कहा कि नंबर इसका बंद आ रहा है और ये हकीकत बात है ये खोलता था थोड़ी देर और नंबर बंद कर देता था खोलता था थोड़ी देर नंबर बंद कर देता था तो इस तरह का मामला चल रहा था। आगे की ऑडियो सुनाऊंगा जो इसने शाम को कॉल किया ठीक है पहले उस सुन्नी भाई का कॉल बात सुन लीजिए। सलाम अलैकुम हजरत। हेलो सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम हजरत। वो आया नहीं वो ना 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 अभी तक कोई खैर खबर नहीं है हजरत। तो नंबर बन जा रहा है उसका। हाँ नंबर बन जा रहा है उसने नंबर ही स्विच ऑफ कर लिया। हाँ नंबर ही स्विच ऑफ कर लिया तुमने। हाँ हाँ जी ऐसा ही है वो गाली बकना जानता बस 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 बस। हाँ गाली बकवा लो बस आए नहीं वो हलाली है नहीं तो आया कहाँ से। हाँ हाँ है साबित कर दिया ना उसने। हाँ साबित कर दिया इसी वजह से मैंने इतना कर रहा जुमला इस्तेमाल किया था। हाँ सही किया आपने बिल्कुल। हाँ अभी हमने उसका फोन लगाया मुझे राव निकल के जब है। हाँ उसका फोन लगाया अभी हमने सब जा रहा था। है हाँ स्विच ऑफ जा रहा था फोन उसका। जी 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 स्विच ऑफ कर लिया उसने फोन। हाँ जी बातें बहुत कर लिया बहुत बड़ी बड़ी। हाँ बातें बहुत लंबी लंबी थी। हाँ हाँ हाँ
काका खुश हो गई उसकी याद में भी। यूनिवर्सिटी ठीक है भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पूरा दिन इंतजार करने के बाद वो हरामी नहीं आया और मोबाइल अपना बंद कर लिया। जो हमारे सुन्नी भाई है, अगर उसके पास कॉल लगाया होगा तो वो जो बेहतर जानता होगा कि ये नंबर बंद करके रखा था। और हमने भी कई बार ट्राई किया लेकिन ये नंबर बंद करके रखा था। फिर शाम को कॉल करता है नूर हसन भाई के पास और कॉल करके ये बोलता है मैं कहीं और निकल गया हूँ। अब सोचिए जब ये आया था मिलने के लिए तो मिलता, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं कहीं और निकल गया हूँ। और ये भी बात बोला था पिछली ऑडियो में आपने सुना कि 8-10 दिन रुकूंगा, 8-10 दिन मैं यहाँ रामपुर में रुकूंगा, मगर शाम को कॉल करता है मैं कहीं और निकल गया हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं ये इतना बड़ा हरामी मुनाफिक लोग होता है कि कभी भी ये आया नहीं है सामने, कभी भी नहीं आया है सामने। इस ये तो कुछ भी नहीं, इसके बड़े बड़े जो लोग हैं वो नहीं आया है सामने। बस इसी तरह मुनाफिकत करता गया और आवाम को धोखा देते गया, इसी तरह धोखा देते देते आया है। चैलेंज बड़ी बड़ी करता है मगर सामना नहीं करता है। ये अपनी थानवी के मोहब्बत में आया था और हम जो करते हैं काम वो अपने नबी की मोहब्बत में करते हैं। हमारे बुजुर्गों को गाली देता है तो हम लोग इतना एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे नबी का जब गाली देता है या कोई ऐसी बात बोलता है तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है और बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन इसकी जो थानवी जो किया है, इसका जो थानवी जो है, ये लोग जो गुस्ताखी किया है उस बारे में हम लोग बताते हैं तो ये लोगों को बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है? अरे अगर हम गलत बोल रहे हैं तो सामना करना, हिम्मत है तो सामना कर, बात कर। और इस तरह का फहस गाली, इतना गाली दे रहे हो, तुम्हारी माँ कैसी होगी, तुम्हारा बाप कैसा होगा, ये तो इस तुम्हें पता ही चलता है इससे। तो वो ऑडियो भी सुन लीजिए किस तरह ये शाम को कॉल करता है मोबाइल खोलने के बाद और क्या बोलता है, सुनिए। हेलो, हाँ हेलो, हाँ भाई, हाँ बोल यार। भाई तेरे से उम्मीद नहीं थी यार। अबे तो आना, उम्मीद की क्या बात है, मुझे तेरे से उम्मीद थी यार। पहली बात तो सिविल लाइन में, तूने मुझसे क्या कहा, तूने मुझसे क्या कहा और तूने कॉल नहीं उठाया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा निकलेगा। यहाँ हम कॉल कर रहे हैं, तेरा नंबर बंद, सारा रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है, सारा सिस्टम रिकॉर्ड। तो तेरे बारे में पता लगा यार, तू अपने गांव में तक पिटा यार। मुझे तेरे से उम्मीद थी, अपने गांव में पिटा यार। बहरहाल तेरे मुंह से तू कुछ ही कह सकता है। कोई कारी वाजिद नाम से है कि उसने यार तुझे पिटा? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ यार सुन के। मेरे यहाँ तो कोई कारी वाजिद नहीं है। इतने बड़े आलिम फाजिल को यार तेरे गांव में, तू अपने गांव में खुद पिट गया यार। तू तो इतना बड़ा आलिम फाजिल है यार, मुझे तो बड़ा अफसोस। मैं कहा कि मैं आलिम हूँ? और मैं अफसोस इस चीज का कर रहा हूँ कि मैं किस गधे की कॉल पे मैं यहाँ अपने, हमने इतने पैसा खर्च कर दी बेफालतू आया था मैं यहाँ। तू सिर्फ बकवास कर रहा है। अबे मैं अच्छा, जिसने मुझे मारा है, जिसने मुझे मारा है उसको लाइन पे ले जाओ एक बार। हाँ बता। अगर तू सच्चा है और हलाली है तो उस इंसान से मेरी बात करा दे जिसने मुझे मारा। अबे तू इससे बड़ा हरामी कौन होगा बे? तू तो सबसे बड़ा हरामी है। तूने साले कॉल बंद कर लिया, नंबर बंद कर लिया। मैं नंबर नहीं बंद करा था, बदतमीजी बिल्कुल नहीं। तू फिर आया क्यों नहीं? अबे आरामजादे, तू कौन ही बंद करे बैठा आया? तू कौन ही बंद करे बैठा आया क्यों नहीं? तू कौन ही बंद करे बैठा साले? अब तेरा कॉल आया है, मैंने तुझे 36 कॉल कर ली जब से अब तक। तूने मुझे एक मैंने कहा है कि मुझे क्या है क्या नहीं है, तूने मुझे एक छोटे मकार झूठ बोल दिया। पिल्ले, दूसरे लोगों ने तुझे कॉल किए हैं, दूसरे लोगों ने भी तुझे कॉल किए हैं। हाँ तू दूसरे लोगों से मेरे पास कॉल कर सकते हैं साले हरामी मकार। बहुत सारे मेरे पास कॉल आए, बहुत सारे मेरे पास कॉल आए। तू हराम की बिल्ली, तू मेरे पास दूसरे लोगों से ही कॉल करा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता तू। बाबे तू सिविल लाइन में आया, तू तू सिविल लाइन में आया। अब कहाँ है? यही है रामपुर में ना अभी मैं? हाँ बिल्कुल, अभी मैं रुद्रपुर, अभी रुद्रपुर में निकल, रुद्रपुर में रुद्रपुर अपनी बहन का रिश्ता कराने गया, अपनी अम्मा का रिश्ता कराने गया। मैं बोसड़ी के तेरी वांछ चौधरी आराम से मिलने आया था, तो मेरे साथ मुझसे मिलने आया था ना? सिविल लाइन से नहीं आया तू?
तू सिविल हरामजादे तेरा नंबर बना रहा था वो सॉरी के तू सिविल लाइन क्यों नहीं आया बे अबे एमके लो अरे किसी रंडे का बच्चा है किसी वहशत का बच्चा है किसी अय्याश औरत का बच्चा है तू साले तेरी मेरी मां ने बाजारों में दिन करा करा के तुझे पैदा किया है साले हरामजादे कौन तूने बंद कर लिया माना छोड़ तेरे सुअर के औलाद छोड़ के बाड़ू तूने फोन बंद किया माना छोड़ साले सुअर के बाड़ू बहन के तूने फोन बंद किया माना छोड़ ओड़े कुत्ते फोन बंद क्यों किया अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा हक और बातिल का पहचान इसी तरह होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानता है। हम लोग कोई भी चैलेंज करता है तो हम लोग किसी भी बात से पीछे हटते नहीं है, मगर ये जैसे कर रहा है ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग चैलेंज जब करते हैं तो हम लोग उसे पूरा भी करते हैं। इस तरह का ये हरामखोर आया और वहाँ तक आया, रामपुर तक आया, 8-10 दिन बोल रहा था हम रुकेंगे भी, और मोबाइल बंद कर देता है। फिर उसके बाद फ़ोन करके बोलता है हम कहीं और चले जा रहे हैं, बताइए। इस तरह का ये कर रहा था, तो ऐसे लोगों से आप लोग बचे। और इसका नंबर तो है इस पर डाला हुआ, आप लोग चाहे तो ये हरामी को अब क्या बताऊँ, इसको तो सही से बात करना तो नहीं है। आप लोग बेहतर जानते हैं किस तरह इसके साथ बात करना है, तो इसी जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही जवाब दिया जाता है। तो हम लोगों में से भी कोई ऐसा होगा जो इस तरह का इसको सुनाएगा, तो आप लोग बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला तमाम हमारे सुन्नी मोमिन भाई बहन को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।